ओम नमो नारायण विष्णु नारायण नारायण हरि हरि जप नारायण नारायण हरि हरि भज नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। धर्म तथा प्राकृतिक सौंदर्य के अतुलनीय सामंजस्य से सराबोर सात पर्वतमालाओं से घिरा पवित्र सलिला फल्गु के निर्मल जल से अलंकृत तीर्थों में श्रेष्ठ मोक्ष धाम गया। हरि ओम जयकारा है गया धाम ये प्यारा है। हरि ओम जयकारा है गया धाम ये प्यारा है। पितरों को सुख और शांति मोक्ष को देने वाला है। वेदानुसार सप्रपुरियों में से एक गया धाम मुक्ति प्रद स्थल है। ये स्थान श्राद्ध एवं पिंड दान के लिए विख्यात है। यहां प्रत्येक वर्ष पितृ पक्ष का मेला भाद्रपद की चतुर्दशी से लेकर आश्विन पक्ष की अमावस्या तक लगता है। इस अवसर पर देश विदेश से लाखों हिंदू धर्मावलंबी अपने पूर्वजों के श्राद्ध तर्पण एवं पिंड दान के लिए यहां आते हैं। इस धाम की संपूर्ण महिमा का वर्णन हम अपनी यात्रा के दौरान करते जाएंगे, लेकिन उससे पूर्व आइए अब हम यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के लिए अपनी यात्रा प्रारंभ करें। गया रेलवे स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचा जा सकता है विष्णु पद मंदिर तक। भक्तों को प्यार मिले, सबको दुलार मिले, सारे पापों को। ये है काले पत्थरों से निर्मित महारानी अहिल्याबाई का बनाया हुआ चित्ताकर्षक श्री विष्णु पद मंदिर। इसका निर्माण काल 1780 ईस्वी माना गया है। ओम नमो नारायण। ओम
मंदिर प्रवेश करके आइए सर्वप्रथम हम दर्शन करें श्री विष्णु जी की चरण पादुकाओं के। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, रक्त चंदन से इस पर शंख चक्र गदा पदम आदि अंकित किए जाते हैं। तेरी लीला सबसे न्यारी, चरणों के ऊपर चांदी का छत्र है। मंदिर के ऊपरी शिखर पर बाल गोविंद सेन नामक एक गयापाल द्वारा चढ़ाई हुई एक मन सोने की ध्वजा लहराती है। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। मंदिर के सभा मंडप की विशेषता यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ सभा मंडप की छत से पानी की बूंद टपकती रहती है। जनश्रुति के अनुसार यदि किसी तीर्थ का नाम मन में रख यहाँ हाथ पसारने से कम पानी की एक बूंद अवश्य गिरती है। यहाँ प्रतिदिन रात्रि के समय भगवद चरण का मलयगिरी चंदन से श्रृंगार किया जाता है। दर्पण तब से यहाँ पर सारी लोग उनके संबंधित लोग कहीं पर भी रहेंगे, वो दक्षिण भारत में रहेंगे या उत्तर भारत में रहेंगे और पाकिस्तान में रहेंगे, कहीं पर रहेंगे, जो भारत से जुड़ा हुआ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ लोग हैं। बैद्यनाथ शिवा, बैद्यनाथ शिवा, हर हर भोले नमः शिवा, बैद्यनाथ शिवा, बैद्यनाथ शिवा। आइए अब हम गदाधर भगवान के दर्शनार्थ फल्गु नदी की ओर चलें। ये है फल्गु नदी, गया के पूर्व में बहने वाली। फल्गु के उद्भव भी स्वीकार किए जाते हैं, जिसे श्रद्धालु भगवान विष्णु की जलापूर्ति मानते हैं। कहा जाता है कि भगवान विष्णु के शरीर की सुगंध से ओत प्रोत है फल्गु नदी, इसीलिए इसमें स्नान पूजा आदि का अपना विशिष्ट महत्व है। फल्गु की कथा जगत जननी माता सीता जी के गया आगमन से जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि जब श्री राम, भ्राता लक्ष्मण व माता सीता जी गया आए, दोनों भाई अपने पिताश्री के पिंडदान की सामग्री लाने बाजार चले गए। उसी बीच आकाशवाणी हुई, तुरंत पिंडदान, यही शुभ मुहूर्त है। सीता माता ने बहती हुई फल्गु के पास चरती हुई गाय, केतकी, पुष्प और वट वृक्ष को साक्ष्य मानकर अपने ससुर का पिंडदान कर दिया। पर यह क्या,
दोनों भाइयों के आने के उपरांत पूछे जाने पर सिर्फ वट वृक्ष को छोड़कर तीनों ने झूठ बोल दिया। इसी पर कुपित हो माता सीता जी ने इसे सदैव अंदर ही अंदर बहने वाली नदी का श्राप दे दिया और फल्गु अंततः सलीला हो गई। ये नदी का नाम फल्गु नदी है। जब श्री रामचंद्र भगवान का श्रद्धा हुआ कि हम पिताजी को पिंडदान देते हुए चलें, तो सीता माई नदी में बैठ गए और भगवान पूजन का सामग्री लाने बाजार को लिए चले गए। इतने में आकाशवाणी हुआ, दशरथ ने आवाज़ दिया कि पुत्री हमको पिंडदान दो। सीता ने कहा कि प्रभु भगवान सामान लाने गए, आ जाते हैं तो हम पिंड देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, जो तुम्हारे हाथ में रेता है वो रेता से सीता माई पूजन कर रहे थे, ये रेते का पिंडदान हमको आप दो। गौ, ब्राह्मण, तुलसी, फल्गु और वट वृक्ष, सीता ने पांच को साक्षी रख के पिंडदान दे दिया। श्री रामचंद्र भगवान आए, सीता ने कहा कि प्रभु हम तो पिंडदान दे दिया। पूछा माती हुआ, पांच जो साक्षी थे उनसे पूछा माती हुआ तो फल्गु जी खोटा बोल दिया कि नहीं, सीता ने श्राद्ध नहीं किया। क्रोध में आके सीता ने ये नदी को श्राप दिया कि तुम जाओ, गुप्त हो जाओ। ब्राह्मण भी कुछ दान दक्षिणा मिला नहीं, ब्राह्मण तो लोभी हैं, वो भी झूठा बोल दिया कि नहीं, सीता ने श्राद्ध नहीं किया। ब्राह्मण को भी श्राप सीता ने दिया कि तुम्हारा हाथ ऐसे ही रहेगा, तुम भिक्षा ही मांगोगे। तीसरा नंबर आया तुलसी का पान, वो भी खोटा बोल दिया कि सीता ने श्राद्ध नहीं किया। उनको भी श्राप सीता ने दिया कि तुम्हारा सगर जन्म होगा, कहीं गंदी जगह पर भी तुलसी की वृक्ष हम आप देखेंगे। गौ, वो भी झूठा बोल दिया कि सीता ने श्राद्ध नहीं किया। गौ को भी श्राप दिया कि तुम्हारा मुंह अशुद्ध रहेगा, पूछ तुम्हारा पवित्र रहेगा। चार ने तो झूठा बोल दिया, एक अक्षयवट ने सच बोला। अक्षयवट ने कहा कि नहीं, सीता ने श्राद्ध किया है। उनको सीता ने आशीर्वाद दिया कि तुम अक्षय रहो, कभी क्षय होने का नहीं। जो है फल्गु में वर्षा ऋतु में जल की धारा दृष्टिगोचर होती है, जबकि अन्य ऋतुओं में ये केवल रेत से भरा होता है। रेत को हाथों से हटाने पर नीचे से स्वच्छ निर्मल जल निकल आता है। इसी फल्गु नदी के किनारे स्थित है श्री गदाधर भगवान का मंदिर। यहाँ भगवान की चतुर्भुजी मूर्ति स्थापित है। इसके जगमोहन में श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी तथा ब्रह्मा जी हैं। आगे मंदिरों के दर्शन से पूर्व आइए अब हम गयासुर की कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, सृष्टि को रचते समय ब्रह्मा जी ने गयासुर को उत्पन्न किया। भीषण बलशाली गयासुर ने कोलाहल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। उसके तप से इंद्रदेव भी घबरा उठे। उन्हें ये भय सताने लगा कि कहीं उनका सिंहासन ना छिन जाए। तब इंद्रदेव सभी देवताओं को संग लेकर विष्णु जी के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु स्वयं गयासुर के पास गए।
गयासुर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, हे भगवान, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। तब विष्णु जी ने कहा, गयासुर, हम तुम्हारी घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वर मांगते हो? तब गयासुर ने ये वर मांगा कि उसके स्पर्श मात्र से ही प्राणी स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। विष्णु जी ने कहा, तथास्तु। इस वरदान के बाद सभी प्राणी गयासुर के स्पर्श मात्र से स्वर्गलोक जाने लगे। तब यमपुरी शून्य हो गई। तब सभी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने गयासुर से कहा, मुझे यज्ञ हेतु इस धरती में कोई पवित्र स्थान नहीं मिला, अतः तुम अपना शरीर इस यज्ञ हेतु मुझे सौंप दो। गयासुर ने ब्रह्मा जी की बात सहर्ष स्वीकार की। तदोपरांत गयासुर के शरीर पर धर्मशिला रख यज्ञ प्रारंभ किया गया। कहते हैं, यज्ञाग्नि की ताप से गयासुर का शरीर अनवरत हिलता रहा। तब उसे रोकने के लिए भगवान श्री नारायण ने अपने दाहिने पैर को गयासुर के शरीर पर रखा। नारायण जी के चरण स्पर्श से ही गयासुर का शरीर हिलना बंद हो गया। ये है गयासुर। ये स्थान विष्णुपद मंदिर से दक्षिण दिशा में है। गयासुर राक्षस का ये नाभी है। नाभी माने कुप, कुप माने कुआं। यहाँ तीर्थनी श्राद्ध लोग करते हैं तृतियों के लिए, या पितृ को लिए गया श्राद्ध करते हैं। 45 बेटी में एक बेटी ये भी है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है मुंड पृष्ठा देवी की मूर्ति। आइए अब हम दर्शन करें आदि गया के। उसके दर्शन करवाता हूँ, पग पग पे देव का दर्शन। इसे गया का प्राचीनतम स्थान माना जाता है। मुंड पृष्ठा से ये स्थान दक्षिण पश्चिम में है। ये वो शिला है जहाँ पर पिंडदान होता है। ये आदि गया वेदी है और यहाँ पर अपने पितरों के उद्धार के लिए एकादशी तिथि के दिन खोवा से पिंडदान किया जाता है। कि यहाँ पर पुरानी गया में चार दरवाजा था, वो तीसरा दरवाजा का वर्णन यहाँ पर आता है आदि गया का। ये धौत पद वेदी है, यहाँ एकादशी के दिन खोवा से पिंडदान होता है और यहाँ रजत दान चांदी दान करने का विशेष महत्व है। सूर्य कुंड विष्णु पद से लगभग थोड़ी दूरी पर स्थित इस सरोवर को सूर्य कुंड कहते हैं। इस कुंड का उत्तरी भाग उदीची, मध्य भाग कनखल और दक्षिण मानस तीर्थ कहलाता है। यह है दक्षिणार्क। इस मंदिर में श्री सूर्य नारायण जी का चतुर्भुज मंदिर है। ये मंदिर सूर्य कुंड के पश्चिम में है। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण
बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जीवहालोल सूर्यकुंड से 80 गज दक्षिण फल्गु किनारे ये तीर्थ है और एक पीपल का वृक्ष है। राम गया सीता कुंड। विष्णु पद मंदिर के ठीक सामने फल्गु नदी के उस पार सीता कुंड है। यहां मंदिर में काले पत्थर का महाराज दशरथ का हाथ बना है। राम सिया और लक्ष्मण भैया गया तीर्थ में आए, सीता जी के हाथ से दशरथ पिंड दान थे पाए, सीता जी के हाथ से दशरथ पिंड दान थे पाए, सीता जी के हाथ से दशरथ पिंड दान थे पाए, सीता जी के। वहीं पर एक शिला है जो भरताश्रम की वेदी कहलाती है, इसी को रामगया कहते हैं। यहां मतंग ऋषि का चरण चिन्ह बना है तथा अनेक देव मूर्तियां हैं। उत्तर मानस विष्णु पद से एक मील उत्तर रामशिला मार्ग पर उत्तर मानस सरोवर है। इसमें चारों ओर पक्की सीढ़ियां हैं। इस तालाब का नाम उत्तर मानस कुंड है। 365 वेदी के अंदर में एक वेदी ये भी है जो पंचतीर्थी के नाम से ये भी ख्यात है और पंचतीर्थी के नाम से माना जाता है। यहाँ भी यात्री लोग आते हैं यहाँ पर पिंड देने के लिए और पिंड यहाँ पर पड़ता है। इसके पश्चिम एक धर्मशाला है और उत्तर एक मंदिर है जिसमें उत्तरार्क सूर्य और शीतला देवी की मूर्तियां हैं। सरोवर के पश्चिमोत्तर कोण पर मौनेश्वर तथा पितामहेश्वर शिव मंदिर हैं। यहां पर श्राद्ध करके यात्री मौन होकर सूर्य कुंड तक जाते हैं। रामशिला विष्णु पद से लगभग 3 मील उत्तर फल्गु के किनारे रामशिला पहाड़ी। जग में सचो तेरो नाम। पहाड़ी के नीचे रामकुंड नामक सरोवर है।
सरोवर के दक्षिण एक शिव मंदिर है। रामशिला में 20 सीढ़ी ऊपर एक श्रीराम मंदिर है। इसके जगमोहन में चरण चिन्ह बना है। मंदिर के दक्षिण एक बरामदे में 2-3 मूर्तियां हैं। श्री राम के आने से पूर्व इस पहाड़ी का नाम प्रेतशिला था। विद्या में एक विद्या है जिसकी उपासक अधिक लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सिद्ध मंदिर है, यहाँ से कोई निराश नहीं होता है। काकबली रामशिला से 200 गज दक्षिण एक घेरे के भीतर वट वृक्ष है। यहाँ काकबली, यमबली और श्वानबली वेदी हैं। यहाँ श्राद्ध किया जाता है। प्रेतशिला और ब्रह्मकुंड रामशिला से 4 मील पश्चिम प्रेतशिला है। इसका पूरा नाम प्रेत पर्वत है। इस पहाड़ का नाम है प्रेतशिला। यहाँ पर सभी जगह लोग बैठ के पिंड दान करेंगे। पिंड दान करने के बाद सारे पिंड हाथ में उठा के वो ब्रह्मा के चरण पर जप देंगे तो भी प्रेत जोनी से, पितृ देवता प्रेत जोनी से मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। और जो अकाल मृत्यु से मर जाते हैं उसका मात्र प्रेतशिला में ही पिंड दान है। गया नगर से ये स्थान 7 मील दूर है। ये प्रेतशिला है जी। ये 3 भाग में फटा हुआ है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण का प्रतीक है ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पितरों के नाम से सूखा जो आटा लाते हैं, सत्तू लाते हैं, वो इस शिला पर को मंत्र बोल के छिटा जाता है। यहाँ पर्वत के नीचे एक पक्का सरोवर है और एक धर्मशाला है। तीन सौ सी सीढ़ी ऊपर रामशिला तीर्थ है। यहां ऊपर एक शिव मंदिर है, उसे ब्रह्मकुंड कहते हैं। यहां तक लगभग 400 सीढ़ियां चढ़कर प्रेतशिला पहुंचते हैं। ऊपर एक छोटा मंदिर है जिसमें आंगन तथा बरामदे हैं।
बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। इस जग के सारे का तेरा वय तरणी। गया के दक्षिण फाटक के दक्षिण मंगला गौरी के पास ही ये सरोवर है। ये तालाब का नाम है बैतरणी सरोवर। यहाँ देश विदेश से हजारों लोग आते हैं यहाँ तर्पण के लिए। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। भीम गया वह तरणी के पश्चिमोत्तर एक घेरे के भीतर एक शिला है। घेरे के एक बरामदे में भीमसेन की मूर्ति है। दक्षिण बरामदे में भीमसेन के अंगूठे का तीन हाथ गहरा चिन्ह है। भस्म कूट गोप्रचार भीम गया से दक्षिण पश्चिम ये छोटी पहाड़ी है। इसके ऊपर भगवान जनार्दन का मंदिर है। इस मंदिर से थोड़ी दूर पर मंगला देवी का मंदिर है, जिसमें मंगलेश्वर, शिवलिंग तथा मंगला देवी की मूर्ति है। यही गो प्रचार तीर्थ है। एक शिला पर गायों के खुरों के चिन्ह है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने यहां गोदान किया था। किस चीज के निशान है? एक गौ का चरण का निशान है। 87 कोटि पर्वत है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जब आए तो यहाँ पर जग करके 25,00,000 गौ को दान दिया, कम्भेनु गाय को। उसी घड़ी 14 ब्राह्मणी को उन्होंने उत्पन्न किया और उत्पन्न करके 25,00,000 गौ पंडों को दान करके दिया। और उसी घड़ी बटवृक्ष को स्वर्ग से ला करके भगवान ब्रह्मा ने उस बटवृक्ष को लगाए, कम्भेनु गाय दान की। इसी जगह दूध का तालाब वाला वो वेदी है। ब्रह्म सरोवर गया के दक्षिण फाटक से लगभग 340 गज दूर वह तरणी सरोवर के पास ये सरोवर है। इस कुंड का नाम क्या है? ब्रह्म सरोवर। तालाब का विस्तार है कि यहाँ हर साल पितृ पक्ष में पिंडदान होता है। हर साल शहर का जितना भी प्रतिमा बैठते हैं, जैसे दुर्गा जी हुए, विश्वकर्मा जी हुए, सभी इसी तालाब में विसर्जित होते हैं। इसमें एक गदा खंड पड़ा है, उसकी परिक्रमा की जाती है। इसके पास काक बलि वेदी है। समीप में तारक ब्रह्म का दर्शन करके आम्र सिंचन की विधि है, किंतु अब आम का वृक्ष वहां नहीं है, केवल एक पक्का थाला बना हुआ है। अक्षय वट। ब्रह्म सरोवर के पास ही अक्षय वट है। चार दीवारी से घिरा विस्तृत पक्का आंगन है, जिसके मध्य वट वृक्ष है। इसके उत्तर वटेश्वर महादेव का मंदिर है। ये कल्प वृक्ष अक्षय वट बोलते हैं। ब्रह्मा ने सतयुग में जब यज्ञ किया तो उसमें समुद्र मंथन से ये पांच चीज स्वर्ग का जिनिस दूध घी मधु है, और ये कल्प वृक्ष और कामधेनु गाय। तीर्था में राजा दशरथ के जब अकाल मृत्यु हुआ
तो माता सीता रामचंद्र जी गया जी में जब आए पिंडदान करने के लिए, तो उस समय में ये पांच को साक्षी में रखा। ये पांचों में चार ने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल दिया। ये चारों को माता ने क्रोध में आकर शराब दे दिया। कल्प वृक्ष ने कह कि नहीं, माता ने पिंडदान दिया, माता सीता ने वरदान दिया, जाओ तू अमर वृक्ष रहेगा, कभी तुम्हारा ना आसमान नहीं रहेगा। तो ये धन पुत्र भक्ति मुक्ति संसार में ये चार चीज का पदार्थ है। जिसको जो कमी होता है ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर भगवान इनको परिपूर्ण करते हैं। तो ये पांच वट हैं, वृंदावने वटो बंसी प्रयागे न मनोरथा गयाम अक्षय ख्यात निष्कुंभ पुरुषोत्तम। गया में ये जो है इनका नाम है माधव भट्ट, और मनोरथ जो इलाहाबाद किले के अंदर में है उनका नाम है मनोरथ, और पुरुषोत्तम है जो जगन्नाथपुरी में है, और मथुरा वृंदावन में है जो बंसी वट बोलते हैं उनको, और लंका में है वो निष्कुंभ बोलते हैं, जो रामन सीता को ले जाके हर के उसी जगह पर पेड़ के नीचे बैठाया जो अशोक वाटिका बोलते हैं, लेकिन वो भी एक कल्प वृक्ष है। श्राद्ध समाप्ति के बाद यहाँ पर गयापाल पंडो के द्वारा सुफल विदाई दी जाती है। रुक्मिणी सरोवर अक्षयवट से पश्चिम में रुक्मिणी सरोवर और अक्षयवट के उत्तर वृद्ध प्रपिता महेश्वर का मंदिर है। गदालोल। अक्षयवट के दक्षिण गदालोल नामक कच्चा सरोवर है। सरोवर में एक स्तंभ के रूप में गदा है। कहते हैं कि असुर को मारकर भगवान ने यहां गदा धोई थी। मंगला गौरी। ब्रह्म सरोवर के पास पहाड़ी पर 124 सीढ़ी ऊपर ये मंदिर है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये। इसी पहाड़ी पर और ऊपर जाने पर अभिमुक्तेश्वर नाथ का प्राचीन मंदिर मिलता है। यहाँ भगवान की चतुर्भुज मूर्ति है, जिसको श्राद्ध करने वाला कोई ना हो वो अपने लिए तिल रहित दही मिलाकर तीन पिंड यहाँ भगवान के दाहिने हाथ में दे जाए, ऐसी विधि है। गया स्थित मंगला गौरी शक्तिपीठ कामाख्या शक्तिपीठ के बराबर ही शक्ति प्रदान करने वाली है। धर्म शास्त्र के अनुसार सती के दो महत्वपूर्ण अंगों में से एक
योनि मंडल कामाख्या में तथा दूसरा स्तन मंडल यानी मंगल भाग गया में गिरा था। मंगला गौरी शक्ति पीठ गया शहर के दक्षिणी छोर पर छोटे से पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को भस्मकूट पर्वत कहते हैं। विष्णुपद मंदिर यहां से थोड़ी ही दूरी पर है। इस शक्तिपीठ के बारे में कहा जाता है कि यहां भक्ति भाव से पूजन करने वाले को अवश्य पुत्र धन अच्छा वर विद्या आदि का लाभ होता है एवं मन की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगला गौरी की महिमा का बखान करते हुए कई भक्तों ने बताया कि उन्होंने मां मंगला गौरी के दरबार में कई दुखियों के दुख और असाध्य रोगों को दूर होते देखा है। मंगला गौरी मंदिर द्विविभागीय मंडपाकृति और पूर्वाभिमुख है। मंदिर में घुसने का दरवाजा काफी छोटा है। भक्तगण झुककर अंदर जाते हैं और पूजा अर्चना करके भगवती की कृपा प्राप्त करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में अखंड दीप जलता रहता है जिसके दर्शन मात्र से आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। मंदिर में अन्य कई मूर्तियां भी हैं जिनमें श्री गणेश की विशाल प्रतिमा है। मंदिर परिसर में एक विशाल मौला श्री वृक्ष है जो देवी माँ का अति प्रिय वृक्ष है जो सालों साल हरा भरा रहता है। परिसर में भी श्री गणेश जी का एक छोटा मंदिर है। मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। इसी के पीछे खड्गधारी दुर्गा माँ का मंदिर है। इसके पास ही माँ का विचित्र रूप लिए एक मंदिर के सामने दो मंजिलों में बटा शिव मंदिर है जिसके बाहरी तल्लों में शिव जी का वाहन नंदी और अंदर शिवलिंग स्थापित है। यहाँ नित्य पूजा करने वाले पुजारियों के अतिरिक्त प्रतिदिन दूर दूर से सैकड़ों भक्तगण दर्शन करने आते हैं तथा विधि विधान से पूजा ध्यान अर्चना इत्यादि करते हैं। सप्ताह में मंगलवार को मंगला गौरी में भक्तों की संख्या चौगुनी हो जाती है। चैत्र तथा आश्विन नवरात्र के समय श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ काफी बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र में इस स्थान पर की गई साधना व्यक्ति को और भी अधिक समृद्ध बनाती है तथा मनोकामना पूर्ण होने पर भक्त प्रति वर्ष यहाँ एक बार अवश्य आते हैं। इस शक्ति पीठ की विशेषता ये है कि मनुष्य अपने जीवन काल में ही अपना श्राद्ध कर्म यहाँ संपादित कर सकता है। गायत्री देवी विष्णुपद मंदिर से आधा मील उत्तर
फल्गु किनारे गायत्री घाट है। घाट के ऊपर गायत्री देवी का मंदिर है। ये वेद माता, देव माता, विश्व माता, ये बहुत पुराना शक्तिपीठ है। ये गायत्री माँ ब्रह्म स्वरूपा है। ये सद्बुद्धि की देवी हैं। इनके जप और तप से आदमी की सद्बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है, इसीलिए इसका शुभारम्भ किया गया है। इसके उत्तर लक्ष्मी नारायण मंदिर है और वहीं पास में बभनी घाट पर फलवीश्वर शिव मंदिर है। उसके दक्षिण गयादित्य नामक सूर्य की चतुर्भुज मूर्ति एक मंदिर में है। कामाख्या माई मंदिर जो ये कामरू कामाख्या माई नीलाचल पर है, ये प्रसिद्ध मंदिर है। जो भी मन कामना करके आते हैं वो पूरा हो जाते हैं। और यहाँ भगवान राम भी जब आए गया में पिंडदान के लिए, तो ये पीपल का पेड़ लगा के दशरथ जी के नाम से भगवान राम जो है इस पीपल में जल दिए और परिवार के साथ रात भर यहाँ निवास किए, वो ये सिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में माई का साल में एक बार जो है रजस्वला के कपड़ा जो है मैथिली के मिलता है, वो कपड़ा जिसको भी मिल जाए उसका भी सब कामना माँ पूरा कर। संकटा देवी प्रपिता महेश्वर विष्णुपद मंदिर से लगभग 340 गज दक्षिण संकटा देवी और प्रपिता महेश्वर के छोटे छोटे मंदिर हैं। ब्रह्म योनि गया से लगभग 2 मील दूर ये पर्वत है। वो सीता माई का पद चिन्ह है और उसको 3 बार घूरा जाता है। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर भगवान बुद्ध देव हैं। अच्छा। उनका दर्शन है। अच्छा। इस पेड़ का अंदर में, और उस जगह पर सती माता और कृष्ण भगवान का, सती माता गणेश जी का दर्शन है। अच्छा। और इधर कृष्ण भगवान जो हैं, कृष्ण मनसा हैं, इनका दर्शन है। और ये बरगद का पेड़ है। ये सतयुग काल में यहाँ पर ब्रह्मा जी बैठ कर को तपस्या की है। Thank you.
जगह का खास विशेषता ये है कि इस जगह का नाम है गया सिरसा। यहाँ पे गया काश्यप, नदी काश्यप, पुरबेला काश्यप जो तीनों अपने भाई थे वो गौतम बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर 1000 भिक्षुओं को यहाँ पर आकर भगवान बुद्ध का स्टीच मतलब दिए भगवान बुद्ध, उसको इन्होंने एक महीना तक रह कर यहाँ पे ग्रहण किया। लगभग 470 सीढ़ी ऊपर ब्रह्मा जी का मंदिर है। इस पर्वत पर दो गुफा के ढंग से पड़े हैं, इन्हें ब्रह्म योनि और मातृ योनि कहते हैं। कुछ लोग इनके नीचे सोकर आर पार निकलते हैं। पर्वत शिखर से कुछ नीचे ब्रह्मा कुंड नामक पक्का सरोवर है। बाबा ये चरण पालिका के बारे में बताइए। ब्रह्मा जी का चरण है, ब्रह्मा जी का चरण है। बगल में जो सीढ़ी देखे 10 सीढ़ी नीचे वो सावित्री कुंड हुआ, ब्रह्म कुंड। अच्छा, और सबसे यहाँ का मेन चीज है कि यहाँ का ब्रह्मजूनी गुफा है। अच्छा, वहाँ का वही चीज प्रसिद्ध उसको माना गया, उसी से पर्वत को नाम पड़ा है ब्रह्मयोनि। यहाँ पर ही ब्रह्मा और सावित्री यहाँ तपस्या किया है। सरस्वती और सावित्री कुंड, ब्रह्मा योनि पर्वत के नीचे ये दोनों पक्के कुंड हैं। सावित्री कुंड का जल वर्षा के जल के समान मटमैला है और सरस्वती कुंड का जल स्वच्छ रहता है। यहां सावित्री मंदिर है, यहीं पर कर्मनाशा सरोवर है। सरस्वती नदी गया से 3 मील आगे जाकर पक्की सड़क छोड़कर पैदल 1 मील कच्चे मार्ग से जाने पर सरस्वती नदी मिलती है। सरस्वती नदी के तट पर छोटा सा सरस्वती देवी का मंदिर है। वहीं एक चबूतरे पर चरण चिन्ह तथा कई शिवलिंग हैं। मातंग वापी, सरस्वती नदी से लगभग 1 मील पर मातंग वापी नामक छोटी बावली है। यहाँ पगडंडी से आना पड़ता है। बावली के उत्तर 4 मंदिर हैं, जिनमें मातंगेश्वर शिव का मंदिर मुख्य है।
धर्मारण्य ने मातंग वापी से 2 मील दक्षिण पूर्व में यह स्थान है। यहाँ एक कुआं है, यहाँ पिंड दान के बाद पिंड कुएं में डाल दिया जाता है। यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा मंदिर है, पास में रहट कूप है, पुत्र कामना से उसके पास लोग पिंड दान करते हैं। कूप के समीप भीमसेन का छोटा मंदिर है। कहते हैं युधिष्ठिर जब भीमसेन के साथ अपने पिता का श्राद्ध करने गया आए थे, तब यहाँ पर कुछ दिन उन्होंने तप किया था। क्या जगह है, क्या है? धर्मारण्य वेदी 45 वेदियों में वेद का नाम है। इसका वर्णन स्कंद पुराण वगैरह में है जी। यहाँ युधिष्ठिर यज्ञ किए थे, कृष्ण भगवान उनसे प्रायश्चित यहाँ करवाए थे अश्वमेध यज्ञ। तो आपके पीछे एक कुआं, इसके बारे में कुछ बताइए। अगटकूप इसका नाम है, रहटकूप। इसमें अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा से गर्भ रक्षा के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध कराया गया था। लोग आते हैं यहाँ और त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, जिनके बाल बच्चे नहीं होते हैं, या गर्भपात वगैरह हो जाता है, भूत वगैरह किसी को पकड़ लेता है, या कोई असाध्य रोग है, उसकी शांति होती है। यहाँ बहुत लोग मुंडन वगैरह भी आकर के किए, मनीषा की पूर्ण हुई तो, है ना, ये सब चीज़ है। और यहाँ पितृपक्ष में पिंडदान करने के लिए भी हर जगह के लोग आते हैं। बोध गया धर्मारण्य से 1 मील पश्चिम ये स्थान है। गया से बोध गया 7 मील दूर है। यहाँ बुद्ध भगवान का विशाल मंदिर है। मंदिर के पीछे पत्थर का चबूतरा है, जिसे बौद्ध सिंहासन कहते हैं। इसी स्थान पर बैठकर गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी और यहीं बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। वो बोधि वृक्ष तो अब है नहीं, किंतु एक नया पीपल का वृक्ष यहां लगाया गया है। संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं Thank you.
शरण गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध गया में मंदिर से कुछ ही दूरी पर बाजार है। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। आइए अब हम आपको जानकारी देते हैं कि इस तीर्थ तक कैसे पहुंचा जा सकता है। पूर्वी रेलवे पर गया मुख्य स्टेशन है। यदि कोई दिल्ली से कलकत्ता जाए तो उसी रास्ते पर गया आता है। पटना से भी गया तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा सड़क मार्ग द्वारा देश के विभिन्न प्रमुख शहरों से यहां तक पहुंचा जा सकता है। यहां ठहरने के लिए कम खर्च में उत्तम आवासीय सुविधा उपलब्ध हो जाती है। वैसे तो यहां कई धर्मशालाएं हैं, परंतु अधिकांश लोग पंडों के घरों पर ठहरते हैं। कहा जाता है कि जिस प्रकार काशी में मृत्यु होने पर उसे सामुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार गया में मृतात्मा को पिंडदान आदि कर देने से उन्हें उधर्व गति की प्राप्ति होती है। इस पवित्र स्थान की महिमा जानने तथा इस धाम के दर्शनीय स्थलों की यात्रा करने के बाद अब हम अपनी यात्रा का समापन करेंगे। जो हिंदू धर्मावलंबी किसी कारणवश गया ना आ पाए हों तो उनके लिए ये VCD अत्यंत उपयोगी साबित होगी। इस धाम के आगे पुनः नतमस्तक होकर अब हम विदा चाहेंगे। ओम नमो नारायण।